खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची में मुकामी अदालत ने वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने एहतजाज करने के मुकदमे में एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर की 20,000 के इवज जमानत मंजूर कर ली। वसीम अख्तर ने शहर में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहरा किया था। कराची में जुडिशियल मजिस्ट्रेट साउथ ने एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर की 20,000 रुपए के इवज जमानत मंजूर कर ली। वसीम अख्तर के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 5 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। वसीम अख्तर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहरा किया था, जो रेड जोन में आता है। कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वाज़ेह रहे कि पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहरा करने वालों में एमकेएम के फारूक सितार और वसीम अख्तर समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे।